ये प्यार ना। देखो भाई, बात ऐसी है कि जब वो लोग अपने 2 घंटे आशिकी में दे रहे हैं और 2 घंटे आप अपना कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आउटवर्क हो रहे हैं और आप उनसे बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो। ठीक है, ये चीज ज्यादा मैटर करती है उस 2 मिनट के प्लेजर से, जिसके लिए आप अपने 20 दिन, 2 महीने, 2 साल बर्बाद करते हो और एंड में कुछ नहीं मिलता। और इस दुनिया का दस्तूर है कि भाई जब हम किसी को बहुत ज्यादा सर चढ़ा लेते हैं ना, तो वो हम पे ही हावी हो जाता है। ये गलती मत करो, जब कुछ बन जाओगे तो ये भी दुनिया का दस्तूर है कि वो चीजें वापस आएंगी, घूम फिर के एक दूसरे को छोड़ के भी वापस आएंगी। जो लोग आज कदर नहीं कर रहे हैं वो बाद में करेंगे, लेकिन उसके लिए काम करो, इस कचरे से निकलो। मुन्ना भैया भी प्यार में फेल हो गए तो आप और हम क्या जीतेंगे, तो इस कचरे से अभी निकलो, अभी काम पे ध्यान दो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन अपने पार्टनर का बर्गर अपने पैसों से खरीद लो, अपने पापा के पैसों से नहीं, उस दिन रिलेशनशिप में आ जाना। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, पर जिस दिन फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ उस दिन आ जाना, उससे पहले मत आओ। कॉलेज का एक परफेक्ट ईयर होता है रिलेशनशिप के लिए, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहले आज इस प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। Okay, so hello everyone, welcome to my next video। और जो भी चैनल पर पहली बार आया है, हम यहाँ पर कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, कॉलेज लाइफ में किसी की कोई प्रॉब्लम है उस पर बात करते हैं, स्टूडेंट लाइफ पे बात करते हैं। बेसिकली हमारा कंटेंट उसी के इर्द गिर्द रहता है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड, तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं या नीचे कॉमेंट कर सकते हो। आज ऐसे ही एक भाई का बड़ा मस्त सा मैसेज आया है। उनकी एक समस्या है कि उनका एक कोई क्रश डेवलप हो गया इस लॉकडाउन के बीच में ही, कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया ऑनलाइन और फीलिंग्स आ गई किसी के लिए। और अब उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, लेकिन उन्होंने जब अपने फ्रेंड को बताया तो उसकी भी बात होती थी उससे, और उसने इंटेंशनली भाई के साथ गलत कर दिया। ठीक है, मतलब उसका इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो रिलेशनशिप में आ गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और अब ये भाई को जेलसी फील होती है उससे बहुत ज्यादा, तो जेलसी फील होनी इस केस में होनी जायज है क्योंकि इंटेंशनली हुआ है। पर जिनके साथ अनइंटेंशनली भी हुआ है, मैं एक ही चीज बताऊंगा जो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगी। देखो, एक बात यहाँ पे ये है कि वो जो रिलेशनशिप है ना अभी आपके फ्रेंड का, वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है आगे कोई बहुत लंबे टाइम का, और ऐसे रिलेशनशिप चलते भी नहीं है जनरली। कितने ही रिलेशनशिप आपको याद है आपके स्कूल कॉलेज के, जो 3-4% को छोड़ दो, 3-4% भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 1-2% लोगों को छोड़ दो जो मैरिज में कन्वर्ट हो गए हों। अगर आपने फीलिंग्स डेवलप की हैं, जेन्युइनली की हैं किसी के लिए, तो आप एक इमोशनल हो अंदर से आदमी, और आप सेंसिटिव हो थोड़े, तो वो आपको फ्यूचर में कोई अच्छा मिल जाएगा, उसके लिए रखो बाद के लिए। अभी अपने उन फीलिंग्स को अभी अपने काम पे लगाओ, काम करोगे नाम होगा, लोग आएंगे और लोग बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे एक क्रोनोलॉजी समझो। इनिशियली अभी सब इंसान ही होते हैं, तो इनिशियली मैं समझता हूँ आपको भी बहुत बुरा लगेगा कि ये मेरा दोस्त था, और इनिशियली 1-2 साल तक लगे, हो सकता है मैक्सिमम टाइम 1-2 साल तक आपको बुरा लगे, उसके बाद आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मरे जिए कुछ ही करे। ठीक है, यही होता है, इतना ही होता है। जब फीलिंग वगैरह की बात होती है ना, वो इतनी ही होती है। माँ बाप ही हैं और भाई बहन ही हैं जो हमेशा रहेंगे, या फिर शादी के बाद जो आपका पार्टनर है, उससे पहले चाहे तुम कितना ही बोल लो, कितनी कहानियां सुन लो, मैं पर्सनली इतना यकीन नहीं करता इसमें। ये नहीं बोल रहा कि एकदम ही कोई नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, उतना ढंग का आपको पता चल जाएगा अगर कभी मिलेगा तो, वो बहुत रेयर केस होता है। इसलिए पहले अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओ, उसके बाद इसमें आ जाओ। किसी भी बड़े आदमी को ले लो, उनके पास टाइम ही नहीं था ये सब करने का, ये सब करते रहते तो वो बड़े बनते ही नहीं। तो अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको काम करना है या इन चक्करों में उलझे रहना है। और कॉलेज लाइफ में बहुत 100 चीज़ें होती हैं करने को, ऐसे लड़के लड़कियों को जब देखते रहोगे ना इधर उधर। देखो, ऐसे भी लोग होते हैं जो सब मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, पर वो बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं होते, होते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। और कई होते हैं जो टाइम पास कर रहे होते हैं, वो आपको पता है, तो उनकी ज़िंदगी टाइम पास ही है। उनसे कंपेयर मत करो खुद को कि इसके पास ये है, इसके पास वो नहीं है, इसके पास ज़्यादा लड़कियाँ जाती हैं, ये सोच बिल्कुल नहीं रखनी। ठीक है, वो टाइम पास ही है, उनकी ज़िंदगी भी टाइम पास है, उनको कोई नहीं पूछता बाद में। ठीक है, आप अपनी वर्थ डिसाइड करो, अपना काम करो, काम से ही नाम होगा, नाम से ही जो होगा आगे सब कुछ नाम से ही होगा। ठीक है, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला, इसका सॉल्यूशन ये है कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि इस सबसे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब मत करो 1% भी।
ठीक है, देख लिया किसी को, हो गई फीलिंग डेवलप, बात कर लिया, अच्छा लग गया, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है, हो जाता है। लेकिन अब वो क्या तुम्हारे ऊपर इतना हावी है कि तुम्हारा वो आगे पूरा करियर ही डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो तो इंसान निकल जाएगा, उसको ये सब पता भी नहीं है, तुम पीछे बैठ के रो रहे हो। तो हम क्या इतने नालायक हैं या इतने गए बीते हैं कि हम अपने सारे काम छोड़ के एक इंसान को इतनी इम्पोर्टेंस दे दें जिसे पता ही नहीं था ये सब, या उसे इतनी कभी हमारी कदर ही नहीं थी। अमन धतरवाल ने भी कहा है, डोंट बी ए स्टूपिड लवर। इतने एक्सपीरियंस लोग जब कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कहा होगा ना। तो काम करो, काम ही है जो आपको आपके बुरे से बुरे समय में और अच्छे से अच्छे समय में एक कॉन्फिडेंस देगा। इसका किसी भी फिलोसफर, किसी से भी पूछ लो, ज्योतिष पंडित, जिस पे भी आप विश्वास करते हो, ठीक है, घुमा फिरा के सब आंसर दे देंगे। आंसर एक ही है कि भाई आप काम करो, काम से ही आपका ध्यान हटेगा उस जगह से, एक स्किल डेवलप होगी, आपको एक पैशन मिल जाएगा लाइफ में, एक रीज़न है आपके पास ऑलरेडी, तो उस पेन को, आग को अपनी उस काम में डालो और आगे बढ़ जाओ, और अपने एकेडमिक्स में अच्छा करो, आपका यूट्यूब पे चैनल बनाना चैनल बनाओ, शेयर्स में इन्वेस्ट करना शेयर्स में इन्वेस्ट करो, और आगे दुनिया जीत लो, ठीक है। तो मेरे भाई, तुम्हारे भी सवाल का जवाब यही है कि अभी सिर्फ काम पे ध्यान दो, ये लड़कियां दोस्त बनाओ अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आगे मत सोचो अभी जब तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने 10 लाख रुपए लगा के तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि वहां पे तुम ये परेशान हो और बाद में कॉलेज के कन्फेशन पेजेस पे जाके कन्फेस करो कि आई वॉज बिट्रेड बाय हर एंड हिम, माई बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, इसलिए माँ बाप ने 10 लाख रुपए लगा के तुम्हें नहीं भेजा है। अपनी वर्थ जानो, वहां पे जिसलिए गए हो वो काम करो, ठीक है, ये इस कचरे से बाहर निकलो। देखो फर्क क्या होता है ना, किसी भी जो आदमी हमसे ऊपर है, ठीक है, ऊपर इन टर्म्स ऑफ पैसा और फेम इन चीजों में नहीं होता, सोच से आदमी ऊपर होता है, ठीक है, तो उनका जो काम करने का ढंग होता है ना, जब वो 4 घंटे आशिकी में दे रहे हैं, तब वो अगला आदमी 4 घंटे बैठ के जो भी IIT की तैयारी कर रहा है, कुछ कर रहा है, या मेरी तरह वीडियो बना रहा है, अपने चैनल पे कुछ काम कर रहा है, तो वो ऑलरेडी उनसे आगे जाएगा। और जब लॉन्ग रन में देखोगे ना, जब उसके पास वो सक्सेस हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद उस आदमी को वो चीज़ें तो बहुत आराम से मिल जाएंगी, ठीक है, वो इतनी कोई ये बड़ी चीज़ें हैं ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दो, लड़कियों के लिए भी सेम चीज़ है, ठीक है, ये बहुत फैंसी चीज़ें हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती हैं, इनिशियली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमने क्या है बॉलीवुड मूवीज़ बहुत ज़्यादा देख रखी हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे लाइफ में आगे जाते हैं ना, तब पता चलता है कि ये इतनी यूजलेस चीज़ है कि आप, सही बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, 2-3 मिनट के प्लेजर के लिए आप अपनी पूरी लाइफ की ऐसी तैसी करवा लेते हो, कबीर सिंह बन जाते हो, ऐसे चश्मा लगा के घूमते हो। बहुत क्लीशे आंसर है ये कि काम करो, लेकिन यही है जो है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, काम करोगे तभी सबसे निकल पाओगे। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, बाय, लव यू ऑल।